बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ न्यू एडिटर सॉल्यूशन की जानिब से, जिसमें मैं आप लोगों के साथ एक नया टिप्स और ट्रैक क्या करूँगा शेयर करूँगा, जो कि नोडेम की बैक कॉन्फ़िगरेशन की बैकअप के बारे में है कि कैसे हम बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं जब हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने क्या समझा, ज़रूरी समझा कि क्या करें। अक्सर लोग सर्च करते रहते हैं और उससे पता नहीं चलता कि कैसे हम उसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और ये इजी ट्रिक्स उसको पता नहीं होता। अक्सर जो इंस्टॉलर होते हैं वो क्या करते हैं, सिस्टम को इंस्टॉल करके चले जाते हैं, फिर उसको जो यूज़र होता है, न्यू होता है, उसको पता नहीं चलता है कैसे हम इस कॉन्फ़िगरेशन की जो सेटिंग्स है उसको कैसे कर रहे हैं। अगर वो उड़ जाए या उसमें मसला आ जाए, ये दोबारा उसको रिकॉन्फ़िगर करें। तो इसमें अब हम क्या करते हैं, इस तरीके को कवर करेंगे कैसे हम इसको रिकवर करें। तो अभी मैंने क्या करना है आप लोगों के सामने, इस कॉन्फ़िगरेशन को रिकॉन्फ़िगर करके और इसकी बैकअप बना के फिर दोबारा इसको अपलोड करके आप लोगों के सामने मैं क्या करता हूँ, वीडियो बना के अभी बना रहा हूँ। तो आप लोगों के सामने में जिसमें हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की बैकअप बना के कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आप लोगों को क्या हो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों को पता ना हो कि कैसे हम अपनी राउटर की जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होती है उसको चेक करते हैं, तो सिंपली स्टार्ट मेन्यू ही पे जाए और यहाँ पे लिख ले CMD, प्रेस एंटर, और यहाँ पे लिख ले IP config, प्रेस एंटर। आपके सामने क्या हो जाएगी, इसकी डिफ़ॉल्ट गेटवे सामने आ जाएगी 192.168.10.1। अभी सिंपली हम क्या करते हैं, अभी ब्राउज़र को खोलते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं 192.168.10.1, प्रेस एंटर। आपके सामने मोडेम की जो सेटिंग है, लॉगिन विंडो ज़ाहिर हो जाएगी, एडमिन, और प्रेस एंटर, सॉरी को दोबारा रिफ्रेश कर देते हैं। तो सिस्टम खुल गए, भी एडवांस पे क्लिक करते हैं। एडवांस पे क्लिक करने के बाद मैनेजमेंट में सेटिंग पे क्लिक कर दे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद देखिए आप लोगों के सामने सेटिंग्स बैकअप का ऑप्शन आ गए। बैकअप ब्रॉडबैंड राउटर कॉन्फ़िगरेशन, यू मे सेव योर राउटर कॉन्फ़िगरेशन टू ए फाइल ऑन योर PC। तो सिंपली बैकअप पे क्लिक कर दें तो आपके सामने इसकी बैकअप डाउनलोड हो जाएगी टू ए फाइल, किसी एक फाइल में जगह सेव हो गई है। अभी खुदा ना खास्ता अभी आपका क्या राउटर सेट हो गया, रीसेट हो गया, रीस्टोर हो गया गलती से, बार बार ऑन ऑफ की वजह से, या इस पर ज़्यादा लोड डालने की वजह से, या वायरलेस की बार बार चेंज, वायरलेस कोड चेंज, पासवर्ड या कोड बार बार चेंज करने की वजह से भी इसमें मसला आ जाता है, या बार बार ऑन ऑफ करने से जानबूझ के। तो फिर ये सेव हो गई आपके सामने, फिर क्या करें, रिस्टोर बैकअप पे क्लिक कर दे, और जहाँ पे आप लोगों ने क्या की हुई है फाइल को सेव करके डाउनलोड किया हुआ है उस पर क्लिक कर दे, और यहाँ पर आके देखें कॉन्फ़िगरेशन की बैकअप बन गई है, इस पर क्लिक कर दे डबल, और अपडेट सेटिंग पे क्लिक कर दे तो आपके सामने क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी।
आपको वार्निंग शुरू होगा कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है सक्सेसफुली, और 2 मिनट वेट कर दे वो टाइम रिस्टार्ट हो जाएगा और आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था तरीके से हम क्या करते हैं राउटर के कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा बैकअप बना के, उसको दोबारा रिस्टोर बैकअप करके उसको आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं रिकन्फिगर कर सकते हैं बग़ैर टाइम वेस्ट किए। 2-3 मिनट में, बल्कि 2-3 30 सेकंड में आप ये कुछ सारा कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी इलम हो। अगर मेरी वीडियो लो आप लोगों को क्या लगी अच्छी लगी तो काइंडली क्या करें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करो जहाँ पे भी आप लोगों को समझ में आई हो, या कोई इसमें मिस हो गई हो पॉइंट तो क्या करें नीचे कमेंट करें। इसमें हम माइंड नहीं करेंगे बल्कि उसको हम अपने आप से जो गलतियाँ होगी उससे रिमूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।